everyone, welcome back to my channel Nursing is Honesty. So today we are going to discuss about the second clinical type of pregnancy induced hypertension, which is eclampsia. So in the previous video we have discussed about preeclampsia. Agar aapne video check out nahi ki hai, so I'm giving the link in the description box, you can easily check it out. So chaliye aaj ka topic start karte hain. So sabse pehle hum dekh lete hain eclampsia ki definition. So preeclampsia when complicated with convulsion or coma. अगर प्री एक्लेम्सिया की जो कंडीशन हमने स्टडी की थी, जिसमें प्रोटीनयूरिया की कंडीशन रहती है, एडिमा रहता है, ब्लड प्रेशर जो है वो 140 सिस्टोलिक 90 डायस्टोलिक रहता है, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हम इसे बोल रहे हैं. सो अगर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मीन्स प्रोटीनयूरिया तो रहेगा, ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा, हाइपरटेंशन रहेगा, प्लस साथ ही साथ क्या हो जाएगा, कन्वर्जन स्टार्ट हो जाए या फिर पेशेंट जो है वो कोमा की कंडीशन में आ जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे इक्लेम्सिया. ठीक है, सो बहुत ही इजी टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो अब हम देखते हैं ऑनसेट ऑफ कन्वर्जन्स, कि कन्वर्जन्स तो होंगे स्टार्ट, बट उनका ऑनसेट कब होगा. ठीक है, तो हम ये देखते हैं एंटीपार्टम पीरियड में कन्वर्जन स्टार्ट होंगे. ऐसा 50% चांसेस रहते हैं कि एंटीपार्टम पीरियड में कन्वर्जन स्टार्ट हो. फिट्स अकर बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर, तो फिट्स कब स्टार्ट होंगे, एंटीपार्टम पीरियड में. ओके, ऑन द ऑनसेट ऑफ लेबर, जब लेबर स्टार्ट हो रही है. ठीक है, पेशेंट को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गई है, जब सर्विक्स की इफेसमेंट हो रही होती है, सर्विक्स की थिनिंग हो रही होती है. ठीक है, उस टाइम पे इंट्रापार्टम पीरियड में. ठीक है, ड्यूरिंग लेबर, इंट्रापार्टम पीरियड हम बोलते हैं ड्यूरिंग लेबर को. फिट्स अगर फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग लेबर, ऐसा चांसेस रहते हैं कि फिट्स जो है वो फर्स्ट टाइम अराइज हो इंट्रापार्टम पीरियड में, 30% चांसेस हैं. और 20% चांसेस होते हैं कि पोस्ट पार्टम पीरियड में कन्वर्जन्स अराइज हो. सो फिट्स अगर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्यूरपीरियम, प्यूरपीरियम क्या होता है, जो डिलीवरी के बाद का टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूरपीरियम. सो प्यूरपीरियम में स्टार्ट हो फिट्स, इसके कितने चांसेस रहते हैं, 20% चांसेस रहते हैं एंड विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी. सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, सो अब हम देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ कन्वर्जन्स, इक्लैम्प्टिक कन्वर्जन्स. नॉर्मल कन्वर्जन्स से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ मेंशन किया है इक्लैम्प्टिक कन्वर्जन्स. ओके, जो कि इक्लैम्प्सिया में कन्वर्जन स्टार्ट हो रहे हैं. सो इसमें टोटल 4 स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज है प्री मॉनिटरी स्टेज. इस स्टेज में देखिए क्या होगा, पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस, पेशेंट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा. आई बॉल्स आर रोल्ड और टर्न टू वन साइड, हो सकता है कि आई बोल्स जो है वो रोल्ड हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड टर्न हो जाए. दिस स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स. इस स्टेज की, प्री मॉनिटरी स्टेज की जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 30 सेकेंड्स की. नेक्स्ट है टोनिक स्टेज, द होल बॉडी गोज टू अ टोनिक स्पाज़म. स्पाज़म का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मसल जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती. ओके, सो होल बॉडी गोज इनटू अ टोनिक स्पाज़म, जो मसल्स हैं उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी. द लिम्स आर फिक्स्ड एंड हैंड्स क्लेंच्ड, जो लिम्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे. लिम्स का मतलब होता है अपर एक्सट्रीमिटीज या फिर जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है पेशेंट्स की, वो फिक्स्ड हो जाएंगी. हैंड्स क्लेंच्ड हो जाएंगे, पेशेंट के जो हैंड्स है वो पेशेंट फिस्ट बना लेगा अपने हैंड से. नेक्स्ट है रेस्पिरेशन सीजेस, जो पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, रेस्पिरेशन सीज हो जाएगी. द टंग प्रोट्रूड्स बिटवीन द टीथ, जो पेशेंट की टंग है वो कहाँ होगी, बिटवीन द टीथ. साइनोसिस अपीयर, साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन. ऑब्वियसली बात है कि रेस्पिरेशन सीज होगी, ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा, तो साइनोसिस अपीयर होगा, आई बोल्स जो है वो फिक्स हो जाएगी, और इस स्टेज की जो ड्यूरेशन रहेगी वो भी रहेगी 30 सेकेंड्स की. तो अभी हमने स्टडी किया प्री मॉनिटरी स्टेज, सेकेंड है टॉनिक स्टेज, अब हम स्टडी करेंगे क्लॉनिक स्टेज.
सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्लोनिक स्टेज. ऑल द वॉलेंट्री मसल्स अंडरगो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ओके सो बाइटिंग ऑफ द टंग अकर्स. प्रीवियस जो हमने स्टेज किया था टोनिक स्टेज, उसमें क्या था, पेशेंट की जो टंग थी मैंने आपको बताया था वो कहाँ पे प्लेस हो जाएगी, बिटवीन द टीथ. सो इस स्टेज में क्या हो रहा है, बाइटिंग हो रही है, बाइटिंग ऑफ द टंग अकर, ब्रीदिंग बिकम स्टेजरस एंड ब्लड स्टेन फ्रॉम द सिक्रीशंस फिल द माउथ. तो जो माउथ में सिक्रीशंस होंगी पेशेंट की वो कैसी होंगी, ब्लड स्टेन होंगी. ओके साइनोसिस ग्रेजुअली डिसअपियर. सो टोनिक स्टेज में क्या था, साइनोसिस था, ब्लूइश डिस्कलरेशन थी. इसमें क्या होगा, जो साइनोसिस है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा. दिस स्टेज लास्ट फॉर 1 to 4 minutes. इसकी जो ड्यूरेशन है क्लोनिक स्टेज की वो रहेगी 1 to 4 minutes. एंड स्टेज है स्टेज ऑफ कोमा, और इसे बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि कन्वर्जन के बिना ही कोमा की स्टेज आ जाए. ओके सो इट मे लास्ट फॉर ब्रीफ पीरियड, ये बहुत लंबे समय तक भी रह सकता है, एंड मे परसिस्ट अंटिल अनदर कन्वर्जन, तब तक भी रह सकता है जब तक नेक्स्ट कन्वर्जन स्टार्ट ना हो. ओके तो आई होप आपको कन्वर्जन के स्टेज समझ में आ गए होंगे. अब हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इक्लेम्सिया. सो अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इक्लेम्सिया. सो इंजरीज पेशेंट को हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था टॉनिक स्टेज में क्या होगा, टॉनिक स्पाज़म अराइज हो जाएगा, है ना, और टंग बाइटिंग जैसे हमने किया था. सो उसकी वजह से पेशेंट को मल्टीपल इंजरीज हो सकती हैं, वेजोस्पाज़म हो सकता है, हाइपोवोलीमिया हो सकता है क्योंकि वाइटल साइन जो है वो डिस्टर्ब थे, सेरेब्रल हेमरेज पेशेंट को हो सकती है, डिस्टर्ब विजन हो सकता है क्योंकि आईबॉल्स जो है वो रोल हो गई थी एक साइड, मैंने बताया था. ओके सो ये तो थे कुछ मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस. अगर फीटल कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो हमने प्री एक्लेम्सिया के टॉपिक में भी स्टडी किया था, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से. प्लेसेंटल अब्रप्शन में क्या होता है, प्लेसेंटा का सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है. ओके नेक्स्ट है फीटल डिस्ट्रेस, फीटल हाइपोक्सिया हो जाएगा एज अ कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है. ओके इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ भी हो सकती है. ओके सो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेट मैनेजमेंट नहीं है, आप लोग इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर एक रीडिंग लोगे तो. सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशन के लिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज कॉमेंट डाउन कर देना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल है नर्सिंग इज ऑनेस्टी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.